तो हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्फाज व्लॉग में। आई थिंक मैंने सोच लिया कि मेरे को अपना यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करना। मैं नाम चेंज करूँगी आइफा मेहंदी। मैं इस वीडियो में आपको दिखाने चाह रही हूँ कुछ मेहंदी जो दुल्हन के भी बनाई जा सकती है और जो नॉर्मल फंक्शन हो उसमें भी बनाई जा सकती है। कुछ मेहंदी बहुत ज़्यादा शॉर्ट एंड सिंपल है बट सुंदर है। मेहंदी में आप देख सकते हो ये अभी दुल्हन मेहंदी है। मेहंदी में मैंने नंबरिंग दी है तो आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग से मतलब 1 नंबर से लेके अभी 36 नंबर पे आ गए हम। तो यहाँ तक मैंने मेहंदी का वीडियो दिखा दिया है, आगे भी चलेंगे इसी तरह से। जैसे अभी ये 37 नंबर है तो ये देखो नॉर्मल फंक्शन में आसानी से बनाई जा सकती है। कुछ मेहंदी में मैंने कलर्स की डिज़ाइन भी दी है तो वो भी शानदार है। मेरे मेहंदी वीडियो में आपको एनी टाइप की मेहंदी मिलेगी। आप देख सकते हो कि ये दुल्हन मेहंदी है, 39 नंबर पे आ चुके हम। और जिस साइड हम रहते हो उस साइड की ये सबसे अच्छी मेहंदी है क्योंकि हमारे इधर इसी टाइप की मेहंदी लगाई जाती है। अदर जगह का पता नहीं है मुझे बट हमारी साइड की ये बहुत अच्छी मेहंदी है। अगर आपको भी ये मेहंदी थोड़ी भी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी यूज़फुल मेहंदी लाती रहूँगी। चेक्स की डिज़ाइन है, ये मेरा ही हैंड है तो मैंने खुद के हाथ पे ये चेक्स डिज़ाइन बनाई है। ये गर्ल्स टाइप की मेहंदी हो गई है। आई थिंक लड़कियाँ इधर ज़्यादा पसंद करती है इस टाइप की मेहंदी तो ये गर्ल्स मेहंदी बोल सकते हैं। ये वापस ब्राइडल मेहंदी आ गई है तो ये हमने हमारी शायद एक दीदी ममता दीदी उनके यहाँ बनाई थी। उसमें मैंने कलर्स बनाया है पैरों पे एकदम नॉर्मल चेक्स वगैरह आप देख सकते हो। ये चेक्स बनाया है, चेक्स क्या कलर्स भी बनाया मैंने, साथ में चेक्स भी बनाया है। तो इस टाइप की मेहंदी, ये मेहंदी से मैंने महाकाल बनाया था, त्रिशूल मतलब नॉर्मल टैटू के जैसे चाहिए तो ये अच्छा लगता है। ये तो पहले की मेहंदी है, जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो ये मैंने कागज़ पे ऐसे प्रैक्टिस करते टाइम ये मेहंदी बनाई थी। इस टाइप की मेहंदी हमारे लेडी बहुत ज़्यादा पसंद करती है, उनको भरा हुआ हाथ ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय खाली हाथ के। इस टाइप की लड़कियाँ ज़्यादा पसंद करती है मतलब उनको थोड़ा खाली हाथ चाहिए, इसे पूरा भरा हुआ अच्छा नहीं लगता तो उनको खाली चाहिए। जैसे ये भी लड़कियों की मानी जा सकती है। तो आपको ये मेहंदी कैसे लगी ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।